डिस्क्लेमर। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अरबों के ये ज़हनी गुलाम एक ऐसी किताब को सबसे मुकद्दस किताब मानते हैं जिसमें बोंगियां ही बोंगियां भरी पड़ी हैं, पर इस किताब में लिखी हर एक बात को सही साबित करने के लिए ये अरबी गुलाम किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इन गुलामों को दूसरे दीन धर्म मजहब की किताबों में लिखी बातें बकवास और झूठी लगती हैं। ये लोग गैर मुस्लिमों को अंधविश्वासी कहते फिरते हैं, दूसरे के दीन धर्म में लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन जब इन अरबों के ज़हनी गुलामों से लॉजिकली तौर पर इस्लामिक कल्ट को सही साबित करने को कहो तो इन लोगों से एक भी सबूत नहीं दिया जाता। आज तक के इतिहास में अभी तक कोई इंसान ऐसा सामने निकल कर नहीं आया जिसने ये दावा किया हो कि उसने कुरान को पूरा पढ़ा है, उसे अच्छी तरह समझा है और इसके बाद दीन को कबूल किया है। इस्लामिक कल्ट सुनी सुनाई झूठी और मनगढ़ंत बातों पर टिका है, जिसको तलवार के दम पर फैलाया गया। अभी भी ये अरबी गुलाम इसी तरह इस कल्ट को फैलाने की फिराक में लगे रहते हैं। इस कल्ट ने जिस तरह लोगों को जाम्बी बना डाला है, ये लोग दूसरों को भी जाम्बी बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने भारत को इस कल्ट से बचाना चाहते हैं तो प्लीज एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सपोर्ट करें। वीडियो को पूरा देखें, उसे समझें और जागरूक बनें। लाइक, शेयर और कमेंट करें जिससे दूसरे लोग भी जागरूक हो सकें। आ भाई मोहम्मद शरीफ साहब, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सर? आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है सर, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ। अल्लाह बोंगिया मारता है, आपको पता है? पहाड़, जमीन और आसमान, ये लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग है। इनमें दर्द वाली फीलिंग होती है क्या? नहीं। डर वाली फीलिंग होती है? नहीं। ओके। अगर कोई कहेगा कि ये डरती भी है और ये सोचती भी है, रिजेक्ट ऑफर को रिजेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, तो वो बेवकूफ होगा क्या होगा वो? अगर अल्लाह से डरती है, बात करती है, तो वो सही है। कैसे कैसे? क्योंकि अल्लाह अल्लाह के लिए नॉन लिविंग और लिविंग थिंग कुछ नहीं होता। हर अल्लाह से कोई भी गुफ्तगू कर सकता है। कैसे करेगा? नॉन लिविंग थिंग कैसे गुफ्तगू करेगा जब उसमें जान ही नहीं है, उनमें फीलिंग ही नहीं है, उनमें कोई डर खुशी वाली कोई भी फीलिंग नहीं है, तो कैसे गुफ्तगू करेगा अल्लाह से वो? क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बता, अगर अल्लाह हर चीज पे कादिर है तो क्या अल्लाह मूर्ति में आने पर कादिर है क्या नहीं है? यानी जो खुदा है वो मूर्ति में आने पर कादिर है क्या नहीं है? नहीं नहीं है। अल्लाह हर चीज पे कादिर नहीं रहा अभी, अभी अभी ये चेंज हो गया। मतलब अल्लाह अल्लाह जो कुरान में कहता है, हाँ है। अभी थोड़ी देर पहले बोला नहीं, ठीक है मैं मेरा स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। शुक्र है। तो मूर्ति में आने के भी कादिर है अल्लाह जी, तो मूर्ति पूजा फिर क्यों गलत है? क्योंकि अल्लाह ताला मूर्ति में नहीं है ना। किसने कहा? वो कादिर है ना आने के, जो खुदा है। हाँ, तो कादिर तो है लेकिन आया नहीं ना। कादिर तो है लेकिन आया नहीं ना। कौन बोला नहीं आया और क्यों नहीं आ सकता? उनकी मर्जी, उनकी मर्जी। नहीं नहीं, कहाँ लिखे नहीं आ सकता। तो उसकी मर्जी कहाँ, उसकी मर्जी जो है उसने खुदा ने कहाँ बताया तुझे? हाँ, खुदा हर चीज नहीं बताता है। तो तू खुदा के बारे में कुछ भी बता सकता फिर? जो कुरान में वही बता सकता हूँ। तो कुरान खुदा की ये किसने बताया तुझे? कुरान खुदा की ये किसने बताया? सारे प्रॉफिट्स ने है। अच्छा, सारे प्रॉफिट्स ने किस के पास कुरान था? नहीं नहीं, सारे प्रॉफिट्स ने, सारे प्रॉफिट्स में से किस किस को कुरान का पता था भाई? नहीं, आसमानी किताब, आसमानी किताब। किस किस प्रॉफिट ने कहा था आसमानी किताब? आसमानी किताब। किस प्रॉफिट ने कहा आसमानी किताब? जिस नबी पर भेजी गई थी किताब। अबे किसने कहा आसमानी किताब है उसके पास? सिंपल सवाल है भाई। कौन सी? कोई सी भी। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। एडम साहब, कुरान जो है ये खुदा की किताब है, इनको मोहम्मद साहब ने बताया, सही ना? जी जी। ओके,
अच्छा ये बात किसने बताई? कुरान खुदा की किताब है, मोहम्मद साहब ने बताया, और मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल, ये किसने बताया? मोहम्मद साहब ने, कुरान ने। यानी ये सर्कुलर में जा रहा है कि कुरान मोहम्मद को बताता है, मोहम्मद कुरान को बताता है, मोहम्मद साहब कुरान को बताते हैं। तो भाई ये तो यहीं पे घूम रहा है, ये तो सर्कुलर आर्गुमेंट हो गया। सर मैं आपसे साबित कैसे करोगे आप? सर मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछने के लिए आया था। पूछना, लेकिन यहाँ तो तेरा दिमाग चला, तूने कहा कि दसवीं में तुझे डिस्टिंक्शन आया है, तो थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग होगा ना, सम सॉल्व किया होगा, ज्योमेट्री के सम सॉल्व किया होगा, अलजेब्रा के सम सॉल्व किया होगा, फिर 11th 12th में भी पढ़ा होगा, तो लॉजिकल दिमाग है ना तेरे पास? जी है। तो तू कभी ये गौर किया कि मोहम्मद जो है ये कुरान अल्लाह की किताब है, ये मोहम्मद साहब ने बताया, और मोहम्मद साहब रसूल है, ये कुरान ने बताया, ये आपस में ही घूम रहा है, इससे हटके कैसे साबित होगा ये दोनों का क्लेम जो है वो सही है? क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि मोहम्मद साहब ही कुरान का नाम लेके वो खुद ही लिख रहे थे, उन्होंने ही बताया अल्लाह, और अल्लाह से बुलवा लिया कि मोहम्मद साहब जो है वो आखिरी रसूल है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ने तो अल्लाह को देखा ही नहीं सर, हर चीज को प्रूफ नहीं कर सकते ना सर, तो आप अंधविश्वासी है फिर? अंधविश्वासी है कैसा सर? आप जो चीज को प्रूव नहीं कर सकते तो आप अंधविश्वासी है ना, बिना प्रूफ वाली चीज को आप मान रहे हैं। अच्छा सर साहब, इनसे अच्छा अंधविश्वास सर, एवोल्यूशन भी थ्योरी है, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो उसे भी नहीं माने क्या? किसने बोला आपको एवोल्यूशन मानो? आप तो है ना जिंदा जी, है ना, मतलब आप तो मौजूद है ना, आपको देख के तो आपके एग्जिस्टेंस की बात बताई जा सकती है ना जी। ओके, क्या प्रॉफिट के बारे में ये या अल्लाह के बारे में इस तरीके से बताई जा सकती है? सर मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछने के लिए आया था। अच्छा, डिफरेंट क्वेश्चन से पहले यहाँ तो दिमाग चला। जी आनंद साहब, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन से पहले ये बात खत्म कर ले, बल्कि इसका एक और चीज है साहिल साहब। ये बोल रहे हैं कि बिना प्रूफ है, साहिल साहब इनसे पूछ ले इनके पास इस्लाम का क्या प्रूफ है? वही तो डायरेक्ट कर दे, खोल दे, पूरा खोल दे। अच्छा चलो, जो हाँ ठीक है। अच्छा शरीफ, चलो जो तुम जिस हिसाब से भी तुम इस्लाम को सही साबित कर सकते हो, लेकिन पहले ये तो मान लो कि आप अंधविश्वासी हो, आपके पास प्रूफ नहीं है। सर अब जो इवोल्यूशन जो बहुत सारे थ्योरीज पे बिलीव करता है वो भी अंधविश्वास है। मत मान एवोल्यूशन पे, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है, है ना, लेकिन तू अंधविश्वासी है ना? मैं हाँ, अब हर धर्म को मानने वाला अंधविश्वासी है फिर भाई, बाकियों को छोड़ दे, तू तो है ना अंधविश्वासी? हाँ जी मैं हूँ, जस्ट रिलीजन के लिए। मैं मोहम्मद, हाँ बोल, मैं मोहम्मद शरीफ एक मुसलमान अंधविश्वासी होते हुए इस्लाम को मैं फॉलो करता हूँ, ये एक स्टेटमेंट दो। ये एक स्टेटमेंट दो, मैं मोहम्मद शरीफ एक मुसलमान पक्का मुसलमान अंधविश्वासी होते हुए, यार बाकी पूरी दुनिया को अंधविश्वासी होने दे, अभी मुझे उनसे मतलब नहीं, अभी मुझे तुझसे मतलब है, तू इधर आया है, ये बोल मैं मोहम्मद शरीफ एक पक्का मुसलमान अंधविश्वासी होते हुए मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ। जी सर, हर चीज को लॉजिक नहीं लगा सकते, हर चीज को प्रूफ नहीं कर सकते। चलेगा, कोई मुश्किल नहीं, कोई भाई कोई मुश्किल नहीं, लॉजिक विजिक नहीं लगा सकते, लेकिन तू इस्लाम के मामले में अंधविश्वासी है। एक स्टेटमेंट आप बोल दो कि मैं मोहम्मद शरीफ पक्का मुसलमान इस्लाम के मामले में मैं अंधविश्वासी हूँ, ये एक स्टेटमेंट दो। अंधविश्वासी का मतलब क्या है? तू कौन से अंधविश्वास को तूने अभी कबूल किया था कि मैं अंधविश्वासी हूँ? इस्लाम तो अंधविश्वासी नहीं है ना। अबे तूने बोला ना कि मैं अंधविश्वासी हूँ? नहीं हूँ मैं तो। अच्छा फिर ऐसा कर, कितने झूठे यार। हाँ साहिल साहिल, अब वापस आ जा मेरे सवाल पे। ऐसा कर, इस्लाम की किस चीज को तू साबित कर सकता है? जा इस्लाम काबा बिल्ड किया है, मदीना बिल्ड किया है। मैंने कहा किस चीज को तू साबित कर सकता है, इस्लाम की किस चीज को तू साबित कर सकता है? क्या
किस चीज को साबित कर सकता हूँ? हाँ, इस्लाम की इतनी चीजें है ना ढेर सारी, किस चीज को प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते? तूने कह रहा है हर चीज को प्रूव नहीं कर सकते, किसी एक चीज को प्रूव कर सकता है? जी किसको? सर मैं डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, तू अंधविश्वासी साबित हो रहा है, तू तेरा विश्वास ही अंधविश्वासी भी, तो इस्लाम की कोई एक चीज भी साबित नहीं कर सकता। या तो ये बोल दे कि मैं अंधविश्वासी होते हुए मुसलमान हूँ, फिर तेरा सवाल कर ले, हम लोग ले लेंगे सवाल, डिफरेंट सवाल तेरा ले लेंगे। सर आप अंधविश्वासी ऐसा वर्ड यूज मत करो, जो बगैर एविडेंस के चीजों को मानता है, बगैर एविडेंस के। इस्लाम की कोई एक चीज को साबित कर दे, कोई एक चीज का एविडेंस दे, एविडेंस है कुरान है, कुरान है ये अल्लाह की किताब है, इसका एविडेंस दे, वरना किताबें तो बहुत ढेर सारी हैं। कुरान है ये अल्लाह की किताब है, इसका एविडेंस दे। अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से। चलो जी खुदा कर ले यार, कुरान में हर चीज का, हर चीज का जिक्र है सर, जब से दुनिया शुरू हुई है हर चीज का। पिज्जा, पिज्जा का जिक्र है, गाड़ी बनाने का जिक्र है, जहाज बनाने का जिक्र है, और पिज्जा का जिक्र है। सर पिज्जा के बिना जिंदगी जी सकते ना सर? किसने बोला? जिस जिस चीज के बगैर जिंदगी नहीं जी सकते, उस चीज का जिक्र सबका है ना? हाँ सर। अंडे का जिक्र अच्छा, बता दे। अच्छा मुझे मुझे थैंक यू सो वेरी मच। अंडे के बगैर लाइफ नहीं बनती, तू मुझे अंडे का जिक्र दिखा दे कुरान में, फीमेल के एग्स के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती है, दिखा दे अंडे का जिक्र दिखा दे कुरान में। सर मैं कुरान पूरा नहीं पढ़ा। सर तू पूरा पढ़ ले तो अभी नहीं दिखा सकता, तू अंधविश्वासी है ना, कह दे अंधविश्वासी हूँ। मतलब तू अंधविश्वासी है ना भाई, तू कुरान पढ़ा भी नहीं है फिर भी उसको खुदा की तरफ से समझ रहा है, तो इसी को तो अंधविश्वास कहते हैं। वो था ना सर कुछ, क्या? जो अर्थ है वो जो अंडे के जैसा ओवल है, और भाई देवे अंडे की तो जिक्र ही नहीं है कुरान में। अंडा दिखा मुझे औरत का, अंडे के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती। तूने कहा जिस चीज के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती वो सारी चीजें, अंडा दिखा मुझे कुरान में। सर मैंने कुरान पूरा नहीं पढ़ा है इसलिए मैं नहीं। तो फिर तू अंधविश्वासी है, कह लेना यार साहिल, कह तो रहती देर से ताकि तेरा सवाल ले, कह के हाँ तू अंधविश्वासी है। हाँ तेरा डिफरेंट सवाल हम लोग ले लेंगे, पहले ये मान तो सही तू अंधविश्वास। देख मोहम्मद शरीफ तू डिस्ट्रिक्ट से लाया टेंथ में, तू खुद बोल भाई तूने एक किताब पढ़ाई नहीं है, फिर उसके सच्चा होने की तू गारंटी कैसे दे सकता है जबकि तूने पढ़ाई नहीं है? पूरा बुक तो नहीं पढ़ा सर मैं, लेकिन बहुत सारी चीजें पढ़ा हूं कुरान। हाँ तो पूरी किताब की तो गारंटी नहीं दे सकता ना। चल तू इतना बोल सकता है कि मैंने जितना पढ़ा हूं उतना मेरे को सही लगा, बाकी का मेरे को पता नहीं, मैं इसकी अभी गारंटी नहीं दे सकता, इतना तो बोल सकता ना, ये तो इंसाफ का तकाजा है। जी ठीक है सर, बोलो कि पूरा कुरान सही है या नहीं है, खुदा की तरफ से है या नहीं है, मुझे अभी इसका इल्म नहीं है। जी मुझे अभी इसका इल्म नहीं है, मैं अंधविश्वासी स्टेटमेंट मान लो। हाँ मैं अंधविश्वासी तो नहीं हूँ सर। जब इल्म नहीं है तो उसको मान रहे तो अंधविश्वासी है ना? नहीं लेकिन तो एडम साहब आप यार अंधविश्वासी छोड़ दो, अभी ये मुसलमान ही नहीं है। अभी इसने जो स्टेटमेंट दिया है, इसने कहा है कि मुझे नहीं पता कि जो हिस्सा मैं कुरान का नहीं पढ़ा हूँ वो खुदा की तरफ से है या नहीं है, इसको अभी पता ही नहीं है, तो ये तो मुसलमान ही ना रहा। जो कुरान में है वो तो अल्लाह का ही कलाम है सर। जब तूने पढ़ा नहीं तुझे कैसे पता? पढ़ा ही नहीं है ना, आपने अभी खुद कहा कि मैंने नहीं पढ़ा हूं पूरा। जो चीज पढ़े नहीं वो खुदा की तरफ से नहीं है, ऐसा कैसा बोल सकते सर? आपने पढ़ा ही नहीं ना, पढ़ा ही नहीं तो आप गारंटी कैसे, दावा कैसे कर सकते हो? आप ये बोलो कि मैंने जितना पढ़ा है वो मुझे खुदा की तरफ से लग रहा है, बाकी का मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं उस पर कंफर्म नहीं बोल सकता हूं कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं है, ये बोलो। हाँ ठीक है मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूं कि जो मैंने नहीं पढ़ा है वो खुदा की तरफ से है या नहीं। लो भाई आदम साहब, भाई जो है इस्लाम से बाहर निकल चुके हैं एज ऑफ नाउ। भाई लोग एक एक गुलाब भेजो मोहम्मद शरीफ की तरफ से, और यही ये हक
बात इन्होंने कही है ये सच्चाई है और हर मुसलमान को इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आपने एक किताब को मुकम्मल पढ़ाई नहीं है फिर उसके सच्चे होने की सही गारंटी दे ही नहीं सकते। तो भाई जो है इस्लाम से बाहर आ गए हैं, कांग्रेचुलेशन मोहम्मद शरीफ भाई। सर मैंने इस्लाम को छोड़ा ही नहीं है, इस्लाम को छोड़ने इस्लाम को मैंने छोड़ा इस्लाम आपने छोड़ा, आपकी स्टेटमेंट ने आपको इस्लाम से छोड़ दिया, इस्लाम आपसे छूट गया। सर साहब मैं आता हूँ, आपसे गपशप लगाने में आया 5 मिनट में। हाँ हाँ एडम साहब आइए जी भाई, अब आपका डिफरेंट सवाल जो है वो बताइए जी। मैं जब कॉलेज में था सर, हाँ कॉलेज में थे फिर 12th में, तब मैं हॉस्टल में था सर। ओके फिर क्या हुआ? तो जब गर्मी रहती थी सर, हाँ तो कूलर लगाते थे रात में हॉस्टल में। ओके कूलर लगाते थे फिर? तो वो तो मैं जो है मेरा जो पैर है वो क़िबले की तरफ करना पड़ता था क्योंकि मुझे जो है कूलर की हवा नहीं आती थी ना। तो ओके फिर? तो कोई भी अब बच्चे या फिर जो वार्ड रहता था वो आके चाटा मारते थे सर मुझको। अच्छा के वहां पैर क्यों किया आपने? जी ले तो मैं तो मैंने देखा थोड़ा इंटरनेट से भी सर्च करा तो मुझे ये पता चला कि इस्लाम में तो वैसा है ही नहीं, आप क़िबले की तरफ पैर कर सकते। जी बिल्कुल कर सकते हैं, और अब तो चूंकि आप मुसलमान भी नहीं रहे अब तो पैर पिछवाड़ी अगवाड़ी सब करके सो सकते हैं आप। मैं मुसलमान हूँ सर, आप आप आपके कहने से मैं जो है बेदी नहीं हो सकता हूँ आप। सर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे मुसलमान नहीं है, आपने कुरान का इनकार किया इस आयत का जो कि पहली वाली नहीं, नहीं, जो कुरान में जो भी लिखा शरीफ, है शरीफ देखो अपनी बात से अभी पलटना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे मुसलमान। जी कुरान में जो भी लिखा है मैं उसे मानता हूँ भाई। अभी आप अपने स्टेटमेंट से पलट नहीं सकते, आपने अभी थोड़े देर पहले कहा था कि जो चीज मैंने पढ़ी नहीं है मुझे उसका भी कंफर्म नहीं है कि ये खुदा की तरफ से है या जो नहीं। कुरान में लिखा हुआ है, जो कुरान में लिखा हुआ है वो अल्लाह की तरफ से है, ये मेरा यकीन है सर। तो फिर या तो बोलो कि मैं अंधविश्वासी हूँ फिर। ठीक अंधविश्वासी क्यों बोलूं सर मैं अपने आप को? अबे क्योंकि तूने जो चीज को पढ़ा ही नहीं उसकी गारंटी कैसे दे सकता है गधे इंसान। सर आप मुसलमान हो जाओ वरना फिर आप अंधविश्वासी है। क्यों क्यों अंधविश्वासी हो अगर मैं मुसलमान नहीं होता हूं तो बता इसका मत, इसका रीजन बता। क्योंकि आप मुस्लिम नहीं है। तो नहीं मुस्लिम होने से अंधविश्वासी कैसा हो सकता है? मैं तो तुझे अंधविश्वासी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तू जो चीज बता रहा है वो अंधविश्वास है, आपने कुरान को पढ़ा ही नहीं है मुकम्मल, तो इसके सही होने का दावा आप कैसे कर सकते जब आपने पढ़ा ही नहीं है? कुरान जब से आया जब से वैसा ही है सर, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा और वो क्या आपने और वो आपने हमारे प्रॉफिट लेके आए थे। एक मिनट क्या आपने इसकी तहकीक की थी कि कुरान जैसा उतरा था आज भी वैसे का वैसे ही है? जी। अच्छा इसका सबूत दीजिए मुझे कि कुरान जो उतरा था 1400 साल पहले आज भी वैसे का वैसा ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग उसको हिफ्ज करते हैं सर और बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग उसे हिफ्ज करते हैं। एक मिनट मोहम्मद शरीफ हिफ्ज जो करते हैं वो कैसे करते हैं? कुरान को बायट करते हैं सर। कैसे? किताब देख के पढ़ते हैं ना? जी। ओके तो जिस किताब से देख के पढ़ रहे हैं वो किताब में वैसी ही लिखा हुआ है पूरा कुरान जैसे 1400 साल पहले था, ये कैसे साबित करोगे आप? क्योंकि जब 1400 साल पहले से ही जो हिफ्स करते हुए आ रहे हैं सर लोग बहुत सारे। अरे तुम्हारे सामने जो लोग हैं वो तो किताब देख के पढ़ रहे हैं, 1400 साल पहले किताब देख के पढ़ रहे थे या बिना किताब देख के पढ़ रहे थे आप तो वो साबित भी नहीं कर सकते हो। आपको मालूम है कि मार्केट में कई सारे अलग अलग कुरान के वर्जन है, आपको मालूम है?
बोलते सर, लेकिन वो सही नहीं है, वो एक ही वर्जन है सर। ये देखो मैं अभी आपके सामने अभी दिखा देता हूँ, ये लो। अलग अलग वर्जन रहेंगे तो इस्लाम छोड़ोगे ना फिर? नहीं, वो बहुत सारे लोग बनाए भी होंगे दूसरे दूसरे कुरान। नहीं, बहुत सारे लोग बनाए मतलब कुरान अल्लाह की किताब जो है फिर चेंज हो गई, फिर तो अल्लाह की किताब चेंज हो गई ना भाई। वो कुरान अगर बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं तो अल्लाह की किताब तो चेंज हो गई, क्योंकि उसको कुरान समझा जा रहा है। वो कुरान नहीं रहेगी अगर उसको चेंज करेगा अगर तो। अरे तेरे बोलने से नहीं चलता ना, लोग उसको कुरान मान रहे हैं तो वो अंधविश्वासी है सर। तेरे को बताता हूँ भाई, अंधविश्वासी वो नहीं, अंधविश्वासी तू भी है, वो भी अंधविश्वासी, तू भी अंधविश्वासी है, क्योंकि तेरे पास एक तो कुरान जो है वो प्रिजर्व्ड है वैसे का वैसा है, इसका तेरे पास कोई सबूत नहीं है। जब तूने कुरान ही नहीं पढ़ी है, उसमें क्या लिखा है वो ही नहीं मालूम है, तो सेम है नहीं सेम है वो तुझे कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज के आपके पास कुरान की कोई भी सनद मौजूद नहीं है, पूरे कुरान की सनद आप नहीं दिखा सकते। दो चीज ये हो गई। तीसरी चीज के मार्केट में आपके पास कई तरीके के कुरान मौजूद है, तो कौन सा कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, डिफरेंसेस क्यों है उसमें अगर वो खुदा की तरफ से? तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो खुद मोमिनों को समझना चाहिए कि भाई जो पहले दावा था कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको बस एक ही कुरान नजर आएगा, जेर और जबर में भी कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। आप लोगों को हम जैसे लोगों ने बताया मार्केट में आके कि झूठो, ये तुम्हारा झूठा दावा है, कई सारे कुरान मौजूद है मार्केट में, हफ्स है, वर्स है, कालून है, दूरी है, सूसी है, कई सारे कुरान मौजूद है, तो ये तुमको बेवकूफ बनाया गया भाई। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।